एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सीजी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2020 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दोस्तों, हो सकता है यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। मुझे लगा कि यह इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की ठगी से आप बच सकें। चलिए, जो मुख्य बात है वो आपके सामने लाते हैं। दोस्तों, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एकलव्य विद्यालय रिक्रूटमेंट के जरिए स्कैमर विभिन्न पोस्ट पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों से ठगी कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही जांजगीर चांपा में इससे रिलेटेड केस हुआ है। हो सकता है कहीं और भी हो रहा हो, तो इस चीज़ से आप बचें। ठगी के द्वारा एकलव्य विद्यालय में विभिन्न पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास कॉल आता है। कॉल करने वाला बोलता है कि हम आदिम जाति कल्याण विभाग इस ज़िले से बोल रहे हैं, आपने एकलव्य स्कूल के लिए इस पोस्ट पर अप्लाई किया था जिसमें आप सेलेक्ट हो गए हैं, और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि पैसा दो, आपका सिलेक्शन हम करा देंगे। और इतना सुनते ही जो कैंडिडेट हैं वो खुशी में कुछ समझ नहीं पाता और ठग के चंगुल में फंस जाता है। बोला जाता है कि कोविड महामारी के कारण अभी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, कुछ चीज़ों के लिए आपको फीस पे करना होगा। इस तरह से वे आपसे पैसों की डिमांड करते हैं, और जब स्कूल ओपन होगा आपको इस जगह पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा उनके द्वारा बोला जाता है। दोस्तों, वे बात ही ऐसा करते हैं कि कोई भी उनकी बातों पे विश्वास कर ले। और ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी देर कर रही है, और कहीं ना कहीं कोविड-19 भी एक कारण है देरी के लिए, ठीक है। और यदि इस तरह के फेक कॉल आपके पास आता है तो आप कुछ इन पॉइंट पर विचार करके ही डिसीज़न लें। पहला पॉइंट है, एकलव्य विद्यालय में ज्वाइनिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। दूसरा, नोटिफिकेशन में ज्वाइनिंग या वेरिफिकेशन के लिए जो वेरिफिकेशन डेट होती है और नाम लिस्ट यहाँ दिए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है, वो हो सकता है कि आपको कॉल या मैसेज ऑफिशियली भी किया जाए, लेकिन जो ऑफिशियल कॉल तभी आपके पास आएगा जब नोटिस जारी किया गया हो और उसमें आपका नाम हो, और उनके द्वारा किसी भी तरह से पैसों की मांग नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको ज्वाइनिंग देने की गारंटी की बात भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है वो है, अगर आपको इस तरह के फेक कॉल आएगा तो इसकी सूचना सबसे पहले आप संबंधित आदिम जाति कल्याण विभाग को देंगे ताकि वहाँ क्लियर हो सके कि सच में कॉल कहाँ से आया, ठीक है। और चाहे तो उसके बाद आप अपने नज़दीकी थाने में इसकी शिकायत कर सकते हैं ताकि जो फ्रॉड है वो पकड़ा जा सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा व इस इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो लाइक करने के लिए आज नहीं बोलूँगा, लेकिन वीडियो उन लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें जिन्होंने इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया था, ताकि वे भी अवेयरनेस हो सके और किसी भी तरह की ठगी से सुरक्षित रहें। आप सब खुश रहें, जल्दी जॉब मिले और कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन ज़रूर करें।